नमस्कार दोस्तों, मैं सतदेव अपने YouTube चैनल एक नई रोशनी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थंबनेल सही होगा तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके व्यू बढ़ेंगे, और आपके व्यू बढ़ेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका चैनल पॉपुलर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर से लोगो मेकर प्लस ग्राफिक डिज़ाइन जनरेटर को डाउनलोड कीजिए। मैंने ये पहले से ही डाउनलोड किया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और दोस्तों, मैं इसमें थोड़े से आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसके सारे ऑप्शन की जानकारी ले सकें और बढ़िया से बढ़िया थंबनेल बना सकें। तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप राइट साइड में ऊपर की साइड जो थ्री एरो बने हुए हैं उन थ्री एरो पर क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। हमको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, इसलिए यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये पेज खुलकर आ गया है। इस पेज का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप ऑरेंज पट्टी में जो पांच ऑप्शन है इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है उस फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज कर सकें। जैसा चाहे वैसा कलर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है कलर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है A+ पर क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और यहां पर आप अपने चैनल की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसके बारे में आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। मैं यहां पर YouTube लिया है क्योंकि मैं यहां पर आपको कोई थंबनेल पूरा बनाकर नहीं दिखाने वाला। मैं चाहूँगा कि आपको मैं ये सारे ऑप्शन थंबनेल बनाने में जो इसके लोगो पेट के ऑप्शन हैं वो आपको बता दूँ ताकि आप अपनी थंबनेल बना सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपने नीचे की साइड में देख रहे हैं बहुत सारे फॉन्ट डिज़ाइन हैं। तो आपको जिस भी डिज़ाइन में अपना फॉन्ट रखना है उस डिज़ाइन में उस फॉन्ट को ले लीजिए। इसके बाद कस्टम के बराबर में एक राइट का चिन्ह, उस राइट के चिन्ह पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपने फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर राइट पर क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शन को आप को अपनी वीडियो में जो भी यूज़ करना है वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बार चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है इस तरीके से, ये जितना भी छोटा बड़ा आपको चाहिए मैं इसको कहता हूँ। ये पांचवा ऑप्शन जो है कलर का है, अगर आपको कलर थोड़ा सा लाइट में चाहिए इस तरीके से लाइट हो जाएगा, डार्क में चाहिए तो डार्क हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे एरो दे रखी हैं आप इसको नीचे कहीं दाएँ बाएँ खिसका सकते हैं। इसके बाद फिर मैं एरो पर क्लिक करना चाहूँगा कि मैंने क्लिक किया है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है इस तरीके से। यहाँ पर ये थोड़े से फैल जाएंगे, आप चाहिए अगर फैलाने तो फैला सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है का, इस तरीके से आप इसको ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, देखिए। और जो थर्ड ऑप्शन है वो इसको थोड़ा सा लहरा देगा, तो मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको, आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको इसका इसमें आउटलाइन करनी है तो फर्स्ट ए के ऑप्शन से देखिए, ये आउटलाइन आ चुकी है इसकी, तो ये आउटलाइन आप बना सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया। अगर आप आउटलाइन इस वर्ड को लिखा हुआ है इसकी भी अगर आपको शेडो बनानी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए नीचे शेडो आ चुकी है इसकी। तो आप इसमें शेडो जितनी चाहे बना सकते हैं, ये देखिए, और ये इसकी शेडो बन चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं एक बार राइट पर क्लिक करना चाहूँगा और ये फ़ोन थोड़ा ऊपर चुका है, मैं इसको चले आता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा, ये तभी थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है मुझे। ये देखिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया है।
इस तरीके से, और थोड़ा नीचे चले आते हैं, ये मैंने YouTube लिख दिया है। और इसके बाद फिर मैं नीचे एक बार क्लिक करता हूँ नीचे की साइड, और इसमें थर्ड ऑप्शन है, अगर इसमें आपको कोई भी एक पिक्चर लेके आनी है अपने गैलरी से तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए गैलरी खुल रही है, गैलरी में से आप कोई भी एक अपनी YouTube चैनल के लिए कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, मुझे जितना चाहिए। देखिए मैं सेलेक्ट किया, ऊपर से क्रॉप कर दिया है इसको, तो ये आगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और जहाँ भी आपको रखना हो वहाँ इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी आपको अगर पिक्चर चाहिए तो फिर एक बार और क्लिक कीजिए बैकग्राउंड पर, और फिर एक बार क्रॉप पे क्लिक कीजिए। आप फिर दोबारा अगर गैलरी में जाइए जहाँ पर आपकी पिक्चर हैं वहाँ से आप सेलेक्ट करके ले आइए। तो बहुत आसान है, अगर आप इसे चार बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, और आप बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल बनाकर अपने चैनल को कर सकते हैं। ये देखिए मैं स्क्रॉप कर लेता हूँ सब्सक्राइब को, कि मैंने सब्सक्राइब को छोटा करने के लिए इसको जो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर ये देखिए दीजिए, अगर आपको नेक्स्ट और भी कुछ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको इसकी ही कॉपी करनी है तो इसकी कॉपी करके नहीं है, आप इस साइड में भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप जैसा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सेव करनी है, और सेव करने के लिए आपको फिर से उन्हीं तीन एरो पर क्लिक करना होगा, और इसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है सेव का, आप सेव पर जाइए। आपको जिस भी फीचर्स में सेव करना है उस फीचर्स में इसको सेव कर लीजिए। पहला है सेव ड्राफ्ट, दूसरा है डाउनलोड जेपीजी फाइल, और तीसरा है पीएनजी फाइल। आप जिसमें भी सेव करना चाहें इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको पीएनजी में सेव करना चाहूँगा, मैं ये सेव हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं, और ये थंबनेल जब आप वीडियो बनाएंगे तो बहुत हेल्प आएगा, और आपकी वीडियो को देखेंगे लोग, अट्रैक्टिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इस तरीके से। और इस थंबनेल को किस तरीके से आप अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं इस वीडियो पर दे दूंगा, तो उससे आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस थंबनेल को अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। अगर ये जानकारी, ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा ताकि आपकी जानकारी बढ़े। थैंक यू दोस्तों।